मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी जमकर आड़े हाथों लिया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बता दीजिए कि परीक्षा कब है, ऐसे में छात्र बड़े परेशान है, परीक्षा की तैयारी करें नहीं करें, क्या भविष्य रहेगा, फैसला ही नहीं कर पा रही सरकार। इस बात को बहुत ही क्लियर करना चाहिए और मांग जनरल प्रमोशंस की है चारों तरफ से। जनरल प्रमोशन देके उनको आगे के उसकी तैयारी करने दें, उनको मौका दें, जनरल प्रमोशन किया जाना चाहिए। फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के नेता हैं, आज की तारीख में वरिष्ठ नेता हैं और केवल ग्वालियर चंबल नहीं पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो पूरी तरह से कांग्रेस को लीड करेंगे सभी चुनावों में। सर बारिश एक दस्तावेज तैयार करके मनरेगा में मजदूरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गोविंद सिंह ने संबंध में पत्र भी लिखा है। निश्चित तौर पर समाचार पत्रों में भी छपा है और इसकी मैं सोचता हूँ चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी वैस से ये मांग की है कि पूर्व विधायक दबाव बना के जो मनरेगा के नाम से काम करा रहे हैं उन लोगों को जो उसमें पात्र नहीं है, जो पात्र हों वहाँ तक ठीक है, जो पात्र नहीं है दूसरे लोगों को जोड़ के इनके वर्कर्स को जोड़ के जो पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम से, ये गलत है। इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए। पहले तो ये गवर्नर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पर हैं, ईश्वर से कामना है कि जल्द स्वस्थ हों। लेकिन इस बीच जब गवर्नर साहब अस्वस्थ हैं और गवर्नर हाउस में कोरोना हुआ था उस समय और कई लोग संदिग्ध पाए गए थे, ये भी एक सोच का विषय है कि कहीं गवर्नर साहब को भी यही बीमारी हो जब वहाँ पहुँचे तब तो नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ इस बीच मंत्रिमंडल की बात और चर्चा करना ये बेमानी है कि गवर्नर साहब जो ओहदे लाएंगे उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाए इसकी चर्चा करना कहीं से भी उचित नहीं है, अनुचित है। दूसरा 15 दिन से लगातार जगह-जगह सड़कें बनने का काम बारिश शुरू होने के बाद हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगता नहीं कि लोगों को बड़ी परेशानी होगी, और ये काम तो बारिश शुरू होने से पहले का होना था जो अब हो रहा है। इस बात को बार बार हमने उठाया है कि जो सड़कों के काम, अब क्या है कि डामर तो हो नहीं सकता इस समय और डामर सेंक्शनड हैं, नगर निगम और PW में पेमेंट नहीं हो इसलिए ठेकेदारों ने उस काम को नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद अभी कल के पानी में और इसके पहले के पानी में पंचशील कोटरा और बहुत सी जगह लोगों घर में पानी घुस गया है। बहुत सी चीज़ें मैं खुद जाके मैंने पर्सनली देखा कि अगर ये समय रहते नहीं रोका गया तो आगे आने 2-3 दिन के बाद फिर भोपाल में हैवी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।